हाँ नमस्ते जी सर, आप आपका नाम और बताइए सर। मेरा नाम रविंद्रनाथ मंगला है, शॉर्ट में आर एन मंगला कहते हैं, और मैं एक हरियाणा के छोटे से गांव पलवल से बिलोंग करता हूँ। और स्कूल एजुकेशन मेरी क्लास 5 तक हरियाणा में हुई है। उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश में पढ़ने के लिए गया, और क्लास 8 में मैंने जिम्नास्टिक शुरू किया। और इसका श्रेय, जिम्नास्टिक शुरू कराने का श्रेय हमारे एक मित्र मिस्टर आरसी शर्मा, जो कि आगरा में रहते थे, उन्होंने मेरे को इसमें प्रोत्साहन किया और जिम्नास्टिक करने के लिए मेरे को आगे बढ़ाया। और आज जो भी हूँ, मैं अपने गुरुजी श्री राम नायक तिवारी जी, जिन्होंने हमको इस लाइन में काफ़ी तैयारी की हमारी, और हमको एक नेशनल लेवल का जिम्नास्ट तैयार किया, और उन्होंने ही हमको इस लाइन में आगे कार्य करने के लिए उत्साहित किया कि आप, मैंने आपको जिम्नास्टिक सिखाया है, और आप अगर इस लाइन में रहेंगे तो देश के लिए कुछ कर सकते हैं और जिम्नास्टिक को आगे बढ़ाएं। तो उन्हीं की इच्छा के साथ मैंने 1971 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से जिम्नास्टिक में डिप्लोमा प्राप्त किया, और 72 में मेरी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हुई, जिसमें आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इस जगह करीब मैंने 10 साल काम किया और जिम्नास्टिक को काफ़ी प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद मेरे डिपार्टमेंट ने मुझको मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन स्पोर्ट्स करने के लिए पटियाला बुलाया, और मैंने इस लाइन में पोस्ट ग्रेजुएशन स्पोर्ट्स 1982 में किया, जो कि दूसरा कोर्स था। और उसके बाद NIS ने मेरे को टीचिंग में कलकत्ता में भेजा 1982 में, और 96 तक मैं वहाँ पर रेगुलर डिप्लोमा कोर्स कराया, जिसमें वहाँ से निकले हुए लोग आज की डेट में डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हैं, इंटरनेशनल जजेस हैं, और DIG हैं, बहुत बड़ी बड़ी रैंकों पर वो लोग काम कर रहे हैं। और बड़ी खुशी होती है कि हमारे पढ़ाए हुए छात्रों ने आगे में जाके उसका नाम रोशन किया है। और उसके बाद 96 में मेरा तबादला महाराष्ट्र में हुआ, उसमें मैंने पहले प्रवरा नगर, प्रवरा पब्लिक स्कूल प्रवरा नगर में पोस्टिंग थी, उसके बाद 2001 से मैं पुणे में हूँ और यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। और